हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। जब भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ या फिर अपने टेक चैनल के लिए भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो आप सभी का बहुत सारा कमेंट आता है मुझे कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी मैं रहता हूँ ना, हर एक वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में ट्रेन का जो आवाज़ है वो आता है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैं कहाँ रहता हूँ और ट्रेन का आवाज़ इतना क्यों आता है और मेरा घर कैसा है। कई बार अपने कई वीडियो में ये चीज़ बताया है, कई बार मैंने लाइव स्ट्रीम में ये चीज़ बताया है कि जब मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरे पास कैपिटल कहाँ से आते थे, और जब कैपिटल आते थे उस कैपिटल को मैं कुछ दिन तक ट्रेड करता था, लगभग कई बार मैंने उसको डबल ट्रिपल भी बनाया, और उसके बाद में टोटल कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो जाता था। तो मेरे माइंड में क्या चलता था उस टाइम पे जब कैपिटल पूरे निकल जाते थे, क्योंकि मुझे जो कैपिटल आता था ना उस टाइम पे, मैं सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही चला रहा था लगभग, अगर बोलें तो यूट्यूब चैनल से लगभग 1 महीने 1.5 महीने में मुझे पेमेंट जो है वो आते थे, 8-10 हज़ार 15 हज़ार का पेमेंट मुझे मिलता था, और वो कैपिटल को मैं इन्वेस्ट करता था और जाकर के मतलब स्टॉक मार्केट में जाकर के ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, इक्विटी ट्रेडिंग करता था, शेयर्स बाय करता था, इंट्राडे ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं वो करता था, और पैसे भी अच्छे खासे मतलब वहां से मिलते थे, मतलब प्रॉफिट्स होते थे। लेकिन कई बार वो कैपिटल क्या होता था, कुछ टाइम में वो टोटल कैपिटल वाइप आउट हो जाता था। अब आप सिंपली एक चीज सोचो कि उस टाइम पे मेरे पास इतने कैपिटल नहीं थे, महीने महीने भर वेट करता था, कंटिन्यूस वीडियोस बनाता था यूट्यूब पे, तब जा करके कुछ कैपिटल आता था, और वो कैपिटल कुछ टाइम में लगभग 10 दिन में, 15 दिन में, कई बार 1 हफ्ते में, कई बार 15-20 दिन लगभग लगते थे और वो टोटल कैपिटल मेरा खत्म हो जाता था। ये कैपिटल ना मतलब बहुत बड़ा अमाउंट तो आता नहीं था, 8-10 हज़ार 15 हज़ार लगभग आते थे। तो ये कैपिटल मैं कितनी बार घर से ऐसा झूठ बोल करके मतलब एक तरह से छुपाता था कि अभी यूट्यूब का पेमेंट नहीं आया है, अभी इतने डॉलर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये कर करके मैं ट्रेडिंग में लगाता था। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन होता था जब भी मतलब ये कैपिटल निकल जाते थे ना हाथ से, तो बहुत भयानक टेंशन हो जाता था माइंड के अंदर में कि यार इतने मतलब मेहनत से वीडियोज़ बना रहा हूँ तब जाके कैपिटल आ रहा है और उसके बाद में ये कैपिटल निकल जा रहा है। प्रॉफिट्स तो हो रहे हैं बट वो प्रॉफिट को मैं लेके नहीं आ पा रहा हूँ। मतलब जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि 8,000-9,000 के प्रॉफिट होते थे, मतलब डबल कर लेता था मैं हफ्ते हफ्ते भर में पैसे, कितने बार मैंने डबल किए, लेकिन वो एट द एंड क्या होता था, महीने के एंड एंड तक चले जाता था। तो मेरे माइंड में ये चीज़ चलता था यार कहीं तो गलती हो रही है, और उस गलती को मैं सुधारने की कोशिश करता था और कुछ नया स्ट्रैटेजी जो है वो जाकर के सीखता था कि भाई ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, इसको टेस्ट करते हैं, इसको सीखते हैं। धीरे धीरे करके माइंड में एक चीज पहले डेवलप हुआ कि मार्केट के अंदर में अगर ट्रेड करना है, क्योंकि कैपिटल अगर खत्म तो आप ट्रेड भी नहीं कर सकते, अगर आपको समझ में भी चीजें आ रही है ना, लेकिन कैपिटल ही नहीं है तो ट्रेड कहां से करोगे। तो ये मेरे माइंड में भी आना स्टार्ट हो गया। फिर मैं कैपिटल बचाना स्टार्ट किया, मतलब परफेक्ट जगह पे एंट्री, परफेक्ट जगह पे एग्जिट, ये मेरे माइंड में अपने आप चलना स्टार्ट हो गया कि भाई परफेक्टली एंट्री करूंगा, कुछ प्रॉफिट अगर लूंगा तो कई बार लॉस भी होंगे, बट लॉस अगर बड़ा नहीं लूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कैपिटल मेरे पास सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मेरे माइंड में आना स्टार्ट हुआ। अभी जस्ट मैं एक वीडियो शूट करने जा रहा था, लर्निंग वाली वीडियो जो है वो बनाने जा रहा था। आप देख सकते हो मेरा सेटअप यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट रेडी है, तो लर्निंग वाली वीडियो बनाने जा रहा था। जस्ट अभी मतलब देखते देखते ना मुझे जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो मुझे देखने को मिला, पुराना वाला यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं ब्लॉग्स टाइप के वीडियो या फिर यूट्यूब टिप्स के ऊपर मैं बोलोगे तो ज़्यादातर मेरे वीडियोज़ आते थे। तो उस टाइम पे मेरी क्या मतलब स्थिति थी, क्या कंडीशन थी, उसके बारे में मैंने एक मतलब वीडियो बनाया था, मेरा जो व्लॉग है एक तरह से आप बोल सकते हो, जिसमें मैंने अपना ना मतलब घर दिखाया था एक तरह से, सिर्फ इसलिए था कि व्यूज अच्छे आ जाएं, और व्यूज आएंगे तो कुछ उससे इनकम होगी और जल्दी जल्दी मेरे 100 डॉलर्स कंप्लीट हो, क्योंकि यूट्यूब का क्राइटेरिया रहता है 100 डॉलर्स होते हैं तभी जाकर के पेमेंट जो है वो आपके बैंक में आता है, और उसके बाद में जैसे ही बैंक में पैसे आए फिर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूं। तो लेटेस्ट ही मैंने मतलब उस टाइम पे मतलब डालना स्टार्ट किया था, मैंने वीडियोज जो है वो डाले थे ताकि मतलब मेरे मतलब फटाफट जो है अर्निंग्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो वो वीडियो मुझे अभी दिखा, मैं आप लोगों के साथ भी उसको शेयर करना चाहता हूँ, एक तरह से एक मोटिवेशनल वीडियो हो गई है ताकि आप उससे चीज़ों को सीख सकते हो कि भाई किस तरह से इंसान डेडिकेशन दे करके, चीज़ों को सीख करके, समझ करके, सही माइंडसेट से काम करके प्रॉफिटेबल जब होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या क्या आए हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से लगभग पता ही होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखते होगे, यूट्यूब पे भी देखते होगे, एवरीथिंग आपको मतलब बहुत सारे चेंजेस तो ये वीडियो में भी दिख रहा होगा। चलिए वो वीडियो को अटैच करता हूँ, आई होप आपको वो वीडियो पसंद आए और मोटिवेशनल हो आपके लिए। तो आप सभी ये सभी चीज़ें देखना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि मैं रहता कहाँ पे हूँ और कैसा है मेरा घर।
सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप बैकग्राउंड देखते होगे मेरे वीडियो में, ज़्यादातर इस तरह का बैकग्राउंड रहता है। रूम के अंदर भी बैठ करके मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्यों नहीं बनाता हूँ वो बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ये बैकग्राउंड के ऑपोजिट में देख लो क्या चीज़ है, ठीक है? तो ये है पूरा, यहाँ पे देख लो ट्रेन जो है टोटली आना जाना होता है, बगल में पटरी है, बगल में रेल लाइन है और यहीं से ट्रेन का आना जाना होता है। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं ओडिशा से हूँ और ओडिशा में पता है ये जंगल वंगल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसी के पास में मेरा घर है। हाँ, बिल्कुल रेल लाइन के सामने नहीं है, ये जो आप पीछे दीवार देख रहे हो ना, ये दीवार के उस तरफ में, जस्ट दीवार से लग करके ही मेरा घर है, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों दूसरी बात यहाँ पे ये बोलूँ कि मैं घर पे बैठ के वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ। पिछले 5 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ 300-400 वीडियोस बना दिए, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी वीडियो मैं घर के अंदर बैठ के बनाऊँ। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि घर जो है वो बहुत छोटा सा है ना, और इतना कुछ अच्छा कंडीशन नहीं है हमारा। दादाजी जो मेरे थे वो RPF में थे, इस वजह से यहाँ पे जो रेलवे का एरिया है ना, इस वजह से हम रेलवे के एरिया में रह पा रहे हैं। तो यार ये चीज़ बोलने में एक्चुअली अच्छा तो नहीं लगता है, बट चीज़ें तो फिलहाल ऐसे ही है। और इसी वजह से अभी हम क्या है कि एक किराए पे भी घर अगर सोचें तो नहीं ले पाएंगे, बिकॉज पापा की जो इनकम है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जब कभी भी कोई गेस्ट आते हैं ना कहीं से भी, बाहर से भी, या फिर किस कभी फ़ोन में भी दिखाना हो घर, या फिर घर पे रह के वीडियो कॉल भी करना होना, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ घर ही के तरफ। ना मेरे कोई दोस्त भी अगर घर आते हैं ना, तो मुझे उनको अच्छा नहीं लगता है अपने घर के अंदर लेके आने में, क्योंकि मेरा घर ऐसे ही है। कोई बात नहीं, अभी जैसा है जो है ठीक है, अभी के टाइम पर तो है, बट आने वाले टाइम में मैं बहुत जल्दी बदल दूँगा सभी चीज़ों को। तो बस यही है, 1 से 2 साल का टाइम लगेगा मुझे, डेफिनेटली मैं चीज़ों को बदल दूंगा, बट फिलहाल तो अभी जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पीछे देखो ट्रेन का रेगुलर आना जाना है यहाँ से। अच्छा, बहुत सारे लोग जो उड़ीसा से हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि मैं कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। तो ये देख लो डिस्ट्रिक्ट का नाम दिख रहा होगा, ये पूरा स्टेशन है इधर। गाइस ये जो रास्ता है ना, ये गया हुआ है स्टेशन, और अभी मैं इधर से आया हूँ स्टेशन का जो दूसरा पार्ट है उस तरफ से, और ये है मेरा घर। सबसे पहले यहाँ पे मंदिर है स्टार्टिंग में, इतने सारे रूम हैं, बट इसमें अपना जो है वो ये वाला है। और ये वाला घर से अंदर घुसने से पहले ये जगह है जहाँ पे अभी पापा सो रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मली कोई भी गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे वेट करते हैं, एक तरह से अगर बोला जाए तो बरामदा है हमारा, जहाँ पे गेस्ट जो है वो वेट करते हैं। और फिलहाल अभी पापा यहाँ पे सो रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे एरिया है टोटल। और ये कपड़े सुखाने के लिए रस्सी वगैरह यहाँ पे लगाया हुआ है मम्मी ने, और कुछ कपड़े अभी सूख रहे हैं। चलो अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले ऊपर में ये एक आम का पूरा पेड़ है, आम भी अभी फले हुए थे बहुत सारे, बट अभी टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं लगभग। तो ये यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने से पहले दोस्तों आपको ऊपर का कुछ कंडीशन दिखाता हूँ। ऊपर में पूरा तिरपाल लगा हुआ है, क्योंकि जो एल्वेस्टर है वो भी बहुत टूट गया है और पानी भी अंदर से चूता है। तो अंदर में मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी भी किस तरह से चूता है, पूरा का पूरा टूटा हुआ है यार लगभग। और ये जो दीवाल मैंने आपको बताया था वो ये दीवाल है, और ये भी गिर गया था, तो हमने इसको तिरपाल से इस तरह से यहाँ पे बांध करके रखा हुआ है, ताकि उस तरफ से कोई आए ना, क्योंकि स्टेशन का एरिया है ना, तो बहुत बार कई लोग आ जाते हैं। तो पूरा इसको हमने कवर करके रखा है यहाँ पे, और इस तरह से पूरा ये है। और हाँ, यहाँ पे दोस्तों मेरा जो गाड़ी है, अभी जो रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो यही वाला गाड़ी था वो। और जब से एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से लॉकडाउन है पूरा, तो हमने गाड़ी बनाया नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या हाल है गाड़ी का अभी, तो ऐसे ही है फिलहाल, ये खड़े रहता है अभी, क्योंकि हम इसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, फ़िलहाल ये खड़ा है। और उसके बाद में ये यहाँ पे हमारा कुआं है, आगे में जो वॉशरूम है, और इसी कुएं से हमारा पीने का पानी, नहाने का पानी सब कुछ चलता है। मोटर भी हमने इसमें लगा करके रखा हुआ है, और आगे में पूरा वॉशरूम है, 2 वॉशरूम यहाँ पे हैं। और ये सिर्फ हमारा नहीं है, और भी लोगों का है, तो मिल करके सब यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। अब चलो आप लोगों को घर के अंदर ले करके चलता हूँ। तो ये गेट है, इसको खोल करके जैसे ही खोलूँगा यहाँ पे, तो ये हमारा घर का इनसाइड का जो व्यू है। इस तरह से यहाँ पे कूलर रहता है, और अंदर में ही बेडरूम है, यहाँ पे हमने कूलर लगा करके रखा हुआ है, इसमें से ठंडी ठंडी हवाएं हमको मिलती है अंदर में, और रूम पूरा ठंडा हो जाता है, क्योंकि एल्वेस्टर का रूम है ना, तो यहाँ पे गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे पहले किचन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये कुछ ट्रंक वगैरह हैं, जिसमें कुछ पुराने सामान, कुछ पुराने बर्तन हैं, ऊपर में डब्बे में भी मूढ़ी मिक्सचर ये सभी चीज़ें रहती है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ ग्लास वगैरह हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं खाने पीने के लिए, लोटा ग्लास ये सब चीज़ें।
और यहाँ पे जो रिफाइंड तेल वगैरह आता है, जो भी राशन का सामान, ये सभी चीज़ें रहती है इसके इसके अंदर में। और ये सभी सामान वामान जो भी खाने पीने में यूज़ होता है वो सब रखते हैं। और एक हाँ फ्रिज तो है हमारे पास, ठीक है। तो ये फ्रिज है और इसको अभी खोल के दिखाता हूँ। बट हाँ, इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें लाइट नहीं जल रहा है, इसका लाइट ख़राब हो चुका है। यहाँ पे गैस है, मम्मी यहाँ पे खाना बनाती है और अभी कुकर में खाना भी है अभी। और बर्तन जो है खाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो नीचे रखते हैं इस तरह से। और उसके बाद में दोस्तों यही है सब कुछ, यहाँ पे खाना पीना होता है और ये पीने का पानी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब चलो आपको रूम के अंदर लेकर के चलता हूँ, अभी रूम के अंदर आपको दिखाऊंगा पूरा सब कुछ कि क्या क्या है। जैसे ही रूम के अंदर एंटर करेंगे, फिलहाल अभी लाइट जो है वो बंद है क्योंकि सब सो रहे हैं और इसी टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। पहले लाइट को मैं ऑन कर लेता हूँ। लाइट ऑन करने के बाद देखो, सबसे पहले ये हमारा पूजा का स्थान है जहाँ पे पूजा करती है मम्मी। मेरी मम्मी बहुत धार्मिक है तो पूजा पाठ बहुत करते हैं मम्मी, आपने व्लॉग में भी देखा होगा। तो यहाँ पे पूजा करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मेरे बुक्स हैं, जो मैं CA कर रहा हूँ तो CA के बुक्स हैं सभी कुछ। उसके बाद ये मेरा प्ले बटन है जो कि 1,00,000 सब्सक्राइबर होने के बाद मुझे मिला था। चैनल का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, यहाँ पे घड़ी है और मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे एक दो, है ना। उसके बाद में ये हमारा बेड है जहाँ पे मैं और मेरा भाई सोते हैं, और मेरा भाई अभी सो भी रहा है। बगल में मेरा जो जगह है वो है, यहाँ पे मैं भी सोता हूँ और भाई भी सोता है। दो अलमारी है हमारे घर पे, अलमारी के ऊपर में भी मेरे बुक्स हैं, मिक्सर का ग्राइंडर भी यहीं पे है, इस तरह से अलमारी है। और ये TV है हमारा। और एक हाँ, मैंने यहाँ पे ना एक कंप्यूटर भी ख़रीदा था तो वो कंप्यूटर यहाँ पे है। और उसके बाद में साइड में जो ये दिख रहा है आपको, ये KCO है मेरे भाई का, 2-3 साल पहले उसने ख़रीदा था। वो अभी म्यूज़िक वगैरह भी सीख रहा है तो KCO बजाना फ़िलहाल सीख रहा है, तो ये KCO उसका है। और उसके बाद में ये पूरा एक लुक आप देख लो, इस तरह से भाई सोता है, बगल में मैं सोता हूँ और मम्मी पापा, पापा ज़्यादातर बाहर सो जाते हैं और मम्मी इस तरह से नीचे में सोते हैं। दो चेयर भी हमने रखा हुआ है और मम्मी यहाँ पे सो जाती है, मैं और बिट्टू, मेरा भाई जो है छोटा वाला बिट्टू, हम दोनों ऐसे ऊपर सोते हैं। और हमारे कपड़े वगैरह भी रेख में हैं और ये मेरा कपड़ा यहाँ पे मैं लटका करके रखता हूँ इस तरह से। तो ये दोस्तों तो टोटल जो ओवरव्यू है घर का इस तरह से है। और यहाँ पे दीवार मैं आपको दिखा देता हूँ। दीवार देखो, ये पत्थर का दीवार है, बहुत पुराने टाइम का। ये टोटल इसमें ना सीमेंट भी नहीं लगा हुआ है, इसके जितने भी दीवार है ना यहाँ पे सीमेंट नहीं है। और यहाँ पे छत देखो क्या हाल हो गया है इसका, बहुत पुराना टाइम से है तो इस तरह से फट गए हैं एक एल्वेस्टर। तो हमने इसके बीच में तिरपाल डाला हुआ है, या फिर कई जगह यहाँ पे आप देख सकते हो एक पुराना एल्वेस्टर हमने लगाया है, कई जगह हमने नए एल्वेस्टर को भी लगाया ताकि पानी वहाँ से ना गिरे। पानी तो छोड़ो, सांप भी गिरते हैं कई बार। और इस तरह से दोस्तों पूरा घर है। और किचन रूम है यहाँ पे, और किचन रूम में भी यहाँ जो नाली है ना, नाली से पूरा पानी जो है वो भर जाता है। उस तरफ में नाली है, रेलवे का ही है वो भी, तो जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो पूरा घर के अंदर पानी आ जाता है। तो ये सभी प्रॉब्लम नॉर्मली होती है यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा घर आप सभी को अच्छा लगा होगा। वैसे दोस्तों एक बात बोलूं तो ये वीडियो जो था वो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए था आप सभी को। मैंने यूट्यूब के ऊपर में देखा है बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपना पुराना घर दिखाए हुए हैं कि पहले वो किस तरह से वीडियोस बनाते थे, और अभी के टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर्स जो है उसको टोटली अपडेट कर लिए हैं, खुद से उन्होंने मेहनत किया और आगे बढ़ करके इस चीज़ को बदले हैं पूरा। तो मैं भी आपको सिर्फ इसलिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं भी यूट्यूब पर बहुत टाइम से हूँ और बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ और भी चीज़ें अलग से कर रहा हूँ। तो अभी के टाइम पे चीज़ें कैसी है वो आपको मैंने दिखा दिया। आने वाले कुछ टाइम पे मैं डेफिनेटली, 2 साल मुझे लगेगा करीब करीब, और 1 से 2 साल के अंदर अंदर मैं कोशिश करूँगा कि ये जो पूरा हालात अभी है इसको पूरा का पूरा मैं बदल दूँ। और बिल्कुल गाइस, आप इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हो तो बिल्कुल आपको ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। आप भी इसी तरह से ट्राई करो कुछ अच्छा करने का, क्योंकि हमारी हालात जो अभी है उसको अगर हम कोसते हुए रुक जाएंगे ना तो फिर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकता है। आज यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से दिखाया अपना सब कुछ, लेकिन अगर मैं एक सोच करके रखूँ कि मैं मुझे एक बंगला बनाना है तो चलो ठीक है, मैं बंगले तक नहीं पहुँचूँगा, लेकिन कम से कम ऐसा तो मेरा एक लाइफ बनेगा ना जिसमें ठीक ठाक सा घर मैं ले पाऊँ। तो बिल्कुल अच्छा सोच करके चलेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा और कुछ ना कुछ चेंजेस लाइफ में ज़रूर आएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस और भी आपको मोटिवेशनल और ब्लॉग्स जो है मेरी डेली लाइफ आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।